आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, ग्रिफिथ के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कीजिए कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो ग्रिफिथ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्ध किया था कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है जो जनक का गुण, ठीक है, संतति में लाता है। तो जब ग्रिफिथ अपना प्रयोग कर रहे थे तो वो टीका पे प्रयोग कर रहे थे, मतलब टीकाकरण के लिए, लेकिन इन्हें गलती से अनुवांशिक पदार्थ का ये रिजल्ट मिल गया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जीवाणु यूज किया था अपने प्रयोग में जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, तो इन्होंने जब इसको संवर्धन मीडियम में वृद्धि करवाया तो जो वृद्धि कर गया और वो कॉलोनी बनाया, कॉलोनी का मतलब जहाँ पे ढेर सारे बैक्टीरिया एक साथ रहते हों, जीवाणु एक साथ रहते हों, तो वो कॉलोनी अगर खुरदरा बनना है तो उसे आर स्ट्रेन नाम दिया गया, मतलब एक जीवाणु के दो रूप, उसे स्ट्रेन बोलते हैं। तो आर स्ट्रेन बोला गया रफ की वजह से, और जो समतल वृद्धि हुआ जिसका कॉलोनी एक साथ बहुत स्मूथ दिखाई देता था, चिकना दिखाई देता ऐसा कह सकते थे। ठीक है, तो चिकना की वजह से इसको स्मूथ यानी एस स्ट्रेन बोला गया। तो इन्होंने कहा जो एस स्ट्रेन है वो रोग कारक है, मतलब अगर उसे हम चूहे में डालेंगे तो रोग उत्पन्न करेगा, और जो खुरदरा आर स्ट्रेन है वो रोग कारक नहीं है। और अपने प्रयोग में इन्होंने क्या लिया था, चूहा, यहाँ बताया गया है। और कौन सी विधि अपनाई गई थी, स्थानांतरण विधि, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं ये मेथड था। तो देखो, लिविंग एस स्ट्रेन वायरुलेटेड, मतलब जो हमारा यहाँ पे एस स्ट्रेन है वो क्या है, रोग कारक है, अगर इसे चूहे में डालेंगे तो चूहा मर जाएगा, पहला हो गया। उसके बाद कह रहे हैं लिविंग आर स्ट्रेन जो होता है, मतलब जो आर स्ट्रेन है वो नॉन वायरुलेटेड है, मतलब ये रोग कारक नहीं है, अगर चूहे में डालेंगे तो चूहा जिंदा होगा, यहाँ लिखा है माइस लाइव्स, ठीक है, सॉरी माउस लाइव। उसके बाद तीसरा है, कह रहे हैं कि जो ये हमारा जो एस स्ट्रेन था उसे अगर हम हीट कर दें, गर्म कर दें, तो ये इसका जो वायरुलेटेड यानी रोग कारक गुण है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर चूहे में हम डालेंगे तो चूहा जिंदा रहेगा, यहाँ लिखा है लाइव। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस डेड को, मतलब मरे हुए जो जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ है उसको और आर स्ट्रेन को जो नहीं रोग उत्पन्न कर सकता था उसको एक साथ मिलाया, तो क्या हुआ कि डेड स्ट्रेन वाला जो यहाँ पे मरा हुआ स्ट्रेन था उसका अनुवांशिक पदार्थ आर में क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। बैक्टीरिया में क्या होता है, यानी जीवाणु में स्थानांतरण विधि पाई जाती है, एक जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण के द्वारा चला जाता है। ठीक है, तो स्थानांतरण के द्वारा एस का अनुवांशिक पदार्थ आर में चला गया। उसके बाद अगर इन दोनों का मिक्सचर हम क्या कराए, बैक्टीरिया में अगर हम इंजेक्ट करा दें सुई द्वारा, इंजेक्शन द्वारा, तो क्या हो गया, जो हमारा चूहा था वो क्या हो गया, चूहा यहाँ पे मर गया, सॉरी चूहा क्या हो गया, चूहा यहाँ पे क्या हो गया, मर गया। इससे हमें ये सिद्ध हो गया, चूहा मर गया। ठीक है, इससे ये सिद्ध हो गया यहाँ पे कि जो अनुवांशिक पदार्थ था हमारा, ठीक है, वो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में चला गया और यहाँ पे चूहा में भी ये आ गया, तो इसे सिद्ध हो गया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।